एक तो वैसे हम लोग परेशान है, खाने पीने को नहीं है, और ये लोग ऐसा बारिश पानी में सताएंगे म्युनिसिपैलिटी, पूरे घर से बाहर निकलो मत। जो भी आकर नगर सेवक जिसने बिल्डिंग बनाया वो भी इसके पीछे लगा हुआ है। जब जब मुझसे बात जाते हैं, जब जब मन पाती है हमारे पास, हम लोग एक महीने का टाइम है, हम लोग खुद अपना दबाव कर लेंगे भाई, या तो फिर आप लोग कुछ बंदोबस्त करके दो हम लोगों को। टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बीच में मनपा के कर्मचारी मुमरा के पापा के नाका के पास स्थित श्रीन अपार्टमेंट को अति धोखादायक इमारत घोषित किया है, और दोपहर में मनपा के कर्मचारियों ने इस इमारत में रहने वाले सभी लोगों से रूम खाली करवाने के लिए पहुंचे थे, मगर इमारत में रहने वाले इसका विरोध कर रहे हैं और बार बार इसी इमारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इमारत में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले साल भी श्रीन अपार्टमेंट को धोखादायक घोषित किया गया था, धोखादायक घोषित कर सील किया गया था, और इमारत में रहने वाले लोगों ने बताया कि इमारत का कुछ काम भी करवाया गया है, मगर वहीं ये लोग बिल्डर पर भी कई आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों के पास घर के जो एग्रीमेंट्स पेपर हैं, कई लोगों के एग्रीमेंट्स पेपर पर जिस बिल्डर से इन लोगों ने घर लिया है, एग्रीमेंट में उसके फोटो नहीं लगा है, सिर्फ साइन किया हुआ है, इसलिए इस श्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में काफ़ी डर बना हुआ है कि कहीं उनसे उनका ये आशियाना न छीन जाए। मनपा ने आज इमारत में उन रूम को सील किया है जिसमें कोई नहीं रहता था, मगर जिसमें लोग अपने परिवार के साथ रहते थे उन्हें 7 से 8 दिन की मोहलत दी गई है कि वो कहीं और अपना रहने का बंदोबस्त कर लें, उसके बाद इमारत खाली कराई जाएगी। आपको बता दें कि इमारत में रहने वालों ने बताया है कि 10 साल पुरानी ये इमारत है और इतने ही कम समय में ये इमारत धोखादायक घोषित हो गई है। बिल्डर से कई बार बिल्डिंग को लेकर मीटिंग भी की गई, मगर मीटिंग के दूसरे ही दिन मनपा कर्मचारी इमारत खाली करवाने पहुंच जाते हैं। क्या कुछ कहा है श्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने, सुनिए। भाई एक तो वैसे हम लोग परेशान है, खाने पीने को नहीं है, और ये लोग ऐसा बारिश पानी में सताएंगे म्युनिसिपैलिटी, पूरे घर से बाहर निकलो मत। हाँ, और ये अभी निकल के हम लोग जाएंगे, हम लोग म्युनिसिपैलिटी स्कूल में रहेंगे। हाँ, और पहले में शानू पटा ने 2-5-6 साल के बाद में ये रूम दिया, अब ये रूम से भी 8-9 साल में निकाल रहा है। बिल्डिंग किसकी है? हाँ, शानू पटान की है। उससे बात की है कि अभी गए थे हम लोग, तो बोलता है म्युनिसिपैलिटी आज जो घर दे रहा हूँ मैं, टूटा फूटा वो ले लो, चाहे पानी की तकलीफ हो चाहे रेती की तकलीफ हो, तुम लोग मेरे को बोलने नहीं आना, और कल म्युनिसिपैलिटी आएगी तो बोला मेरे को बोलना नहीं, मैं फोन उठाऊंगा नहीं। आज वही कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया उसने। हाँ, हम लोग 8-4 साल से हम लोग रमजान में भाग रहे, और अभी बकरीद के बाद भगा रहे, उसको तो मालूम है ना लॉकडाउन है कि कैसी तकलीफ उठा रहे, कैसा कर दिया उसने, देखो देख लो तुम, आप देख लो, जो 2.5 लाख रुपया लिया मेरे से घर कैसा दिया है, मैं चाह 2.5 लाख लिया, कैसी तकलीफ कर रहा हूँ मैं, अरे शिफ्टिंग दिया या कुछ भी दिया, विकास कर दिया तो हम लोग को तो कम से कम अभी रूम तो दे, लिखा पढ़ी के लिए तो दे हमको, तू बोलता जाओ रह जाओ बाद में पेपर देंगे, पेपर का बात का क्या संबंध है, सही देगा कि नहीं देगा। तो अभी आप जो घर लिए इसका पेपर भी आपको पास, लेकिन अब हमको शिफ्टिंग चाहिए कहीं पे भी, जब तूने पहले माने वाली को दिया है सफिया पठान को, वैसा हमको भी शिफ्टिंग दे, पेपर के साथ में दे, प्रूफ के साथ में, हम आज खाली करते, बाल बच्चे हम लोग किधर जाएंगे भाई, हाँ भाड़े वाले थोड़ी है, तेरा ये भाड़े का घर था, तेरा दोनों को मार के गए सील दो दो बार, तेरे को चाबी मिल गई, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम रोड पर आएंगे साहब, हमारे बच्चे जरा जरा बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, इतनी भरती बारिश में किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, हमारे को रूम दो, रूम दो ना, हम रूम क्यों नहीं दे रहे, और दे रहे भी तो ऐसी जगह पे दे रहे कि वहाँ वहाँ से गिर के मर जाए, तो यही मरना आपको पसंद करेंगे, हम फिर गिरेंगे तो हम ही मर जाएंगे, ये भी तो कब्रस्तान यही बन जाएगा हमारा, और क्या करेंगे, आज नहीं तू आज हम तक रोमत 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 मेरा बच्चा रोमत, हम लोग शानू भाई रूम ही नहीं दे रहे, कल भी गए थे बोले कि वहाँ पर दिए,
दरगाह गली के पास तो रूम ही नहीं मिल रहा हम लोग को, वहाँ भी सड़ेला रूम दिए टूटे, तो कैसे रहेंगे हम लोग? तो वहाँ मरने से कैसे नहीं मरेंगे? तो मैं घर के अंदर घर मांगता है तो हम लोग खाली करेंगे ना, तो खाली नहीं करेंगे, जो होगा वो होगा, इधर कुछ भी होगा तो चलेगा हम लोग को। हम लोग घर के अंदर घर पेपर बना के देंगे, बिल्डिंग तोड़ रहे तो ही हम लोग घर खाली करेंगे, न तो खाली नहीं करेंगे घर। एक महीना नहीं दे सकते वो लोग मेरी बहन नहीं मिलेगा उतना टाइम। एक साल का टाइम निकल गया, एक साल में आप कुछ काम करना है, 10 साल बिल्डिंग बन के हुए, 7 साल बात करते हैं, मगर हम लोग वहाँ रोकने के बहुत अंदर है, कैसा वहाँ पे रहे हम लोग? भाई क्या बोलूं, अभी बिल्डिंग को जो है 10 साल हो गए बने हुए, 7 साल से इसकी रिपेयरिंग चालू है, कुछ पैसे निकल पाते कुछ नहीं निकल पाते, कुछ लोग देते कुछ लोग नहीं देते। आप सानू भाई के पास क्यों नहीं देते? लोग पैसे न देने की वजह क्या? गरीब है और कुछ लोग इसमें जो है भाड़े घर लोग हैं, उन लोगों ने चढ़ा दिया है भाड़े पे रूम, कुछ मुंबई में रहते हैं कुछ यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में जो है हम सानू भाई के पास जाते हैं, बनाया हुआ उनका ही है, उनके भाई जो है फुरकान, नगर सेवक अशरफ पठान, अशरफ पठान, अच्छा उनके भाई का बनाया हुआ बिल्डिंग है फुरकान पठान, फुरकान का। उनके इसमें तकरीबन अभी इस टाइम पे 4 रूम है, 4 नहीं 5 है, एक पहले वाले पे है लेडीज सफिया मेमन, उनको उधर महाड़ा में दे दिया रूम। अब उससे जो है लोगों में दहशत पैदा हो गई है, अब 4 रूम तो सानू भाई के वो खाली पड़े, 5वां इनको दिया, इन्होंने इनको भाड़े पे दे दिया सफिया मेमन ने, और 5 रूम हो गए। अब टोटल इसके अंदर 36 है, 6 दुकानें हैं, 30 रूम है, अब 5 खाली है उसके अंदर। अब ये प्रोसीजर तकरीबन 7 साल से चल रहा है, 2 साल पहले भी चला। अब होता क्या है, मैं बोला यार करना क्या है इसका सानू भाई, तो बोले एक काम करो इसको डेवलपमेंट कर लो। ताकि उन लोग बोलते हैं कि 15 रूम को हम शिफ्टिंग देते हैं, हम उस पर भी एग्री 15 रूम पे शिफ्टिंग दे रहे, क्योंकि कुछ लोग इस पर रहते हैं कुछ लोग नहीं रहते। बोला ओके सर दे दो, हमने कहा उनसे लिखित में दे दो कुछ, उन्होंने बोला 50 स्क्वायर फुट एरिया कम करेंगे, 2.5 लाख रुपये लेंगे, समथिंग जो भी है। बोला ओके हम लोग रेडी है, उन्होंने बोला 6 महीने में 8 महीने में बिल्डिंग तुम्हारी हो जाएगी, जैसे जैसे बनते रहेगी तुमको हम शिफ्टिंग देते रहेंगे, उस पर भी हम रेडी है। अब कल गए तो उन्होंने कहा कि 10 रूम को शिफ्टिंग देंगे, अब फिर आ जाती मनपा आके ऑन करके जाती हमको, अब हम जाके बोलते हैं यार अभी मनपा हमको खाली कर दे, बोले मेरे हाथ से भी मामला चला गया, मामला हमारे हाथ से चला गया, बोला लिखित में तो दे दो, लेकिन लिखित में कुछ नहीं दे रहे हमको, बोलते जहाँ मिलता है ले लो। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये 10 साल से बिल्डिंग बनी है, 10 साल में कौन सी बिल्डिंग धोखादायक होती है गिरती है? सिर्फ उतना मुझे तो 7 साल से इसमें रिपेयरिंग चल रही है, यही बिल्डिंग है ऐसी है, 10 साल में घड़ी इसके पीछे म्यूनसिपालिटी पुलिस हर चीज, यहाँ तक जो भी आकर नगर सेवक जिसने बिल्डिंग बनाया वो भी इसके पीछे लगा हुआ है। जब जब मन पाती हमारे पास जाते। अच्छा ये क्या सीन है, 7 साल से धोखादायक कर रहे हैं बिल्डिंग, अभी तक बिल्डिंग क्यों नहीं गिर रही है? हर साल हाई अलर्ट करते हैं 2 साल से, अभी तक हमको एकदम अभी लॉकडाउन लगा रहे, रोड पे निकालने के लिए तैयार है, अभी 2 साल पहले निकाले जब भी धोखादायक थी, 1 साल पहले भी धोखादायक थी। अब देख रहे हैं कि चारों तरफ से इंसान मर रहा है, लॉकडाउन में भी मर रहा है, पैसा नहीं लोगों के पास, ऊपर से बरसात गिर रही है तो जाएगा क्या? तो इससे अच्छा तो हम लिखित में दे दो, अपनी मौत की जिम्मेदारी खुद ही जबकि मर जाते हैं।